गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग अभी आए हुए थे नानी घर पर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ का रूल ऐसा है कि सुबह 6 बजे सब लोग उठ जाते हैं और 7 बजे सब लोग नहा धो लेते हैं और बढ़िया 7:30-8 बजे तक पूरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो जाता है और 10 बजे तक खाना भी कम्प्लीट हो जाता है। मतलब कि 10 बजे तक टोटल फ्री हो जाते हैं यहाँ पर। ऐसा है मतलब सुबह सुबह ही खाना वगैरह अच्छे से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शुरू से यही होता है और सुबह सुबह जल्दी पूजा भी हो जाती है। तो ये मंदिर है, अभी भैया ने चाय रख दी है मंदिर में और ये है भैया। अभी सब ने नहा लिया है, बस मैं बाकी हूँ। तो आप लोग देख रहे हो भाई कल के कपड़े पहने हुए, तो बस अभी मेरे को नहाना बाकी है, बाकी सब ने नहा लिया। तो अभी फिलहाल चलते हैं किचन में, देखते हैं नानी कुछ गर्मा गर्म बना रही है हम लोगों के लिए और चाय वगैरह भी बन चुकी है फिलहाल। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। ये है मेरी नानी और भैया, अभी ये लोग सुबह के 8 बज रहे हैं और किचन में बन रही हैं अभी मंगोड़े दाल वाले और नानी बना रही है अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी। और ये आलू कटे हुए रखे हैं, इसकी सब्जी बनेगी। और यहाँ पे खाना जो है बहुत जल्दी बन जाता है, ये मंगोड़े को सेक भी चुके हैं और चाय भी तैयार है। सुबह नाश्ते में मंगोड़े और चाय गरम गरम और भैया चाय को छानते हुए। सब ने नहा धो लिया है, बस मैं ही बाकी हूँ अभी। यहाँ पर चाय भी बन के रेडी हो चुकी है सबके ग्लासेस में और मंगोड़े भी फ्राई हो गए। यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ अभी सिक रहे हैं। नानी ने इतना सारा कुछ पेस्ट बनाया है मंगोड़े का हम लोगों के लिए और फिलहाल इसमें चाय बन चुकी है। तो बस अभी मैं नहा के आती हूँ फटाफट, फिर नाश्ता करते हैं। बाकी सब ने बाहर नहा लिया है, सब लोग नहा के बैठ चुके हैं। देखो मम्मी ने भी, दिव्या ने भी लाए, तुमने नहा लिया? सब ने नहा लिया, बिबू ने भी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो बिबू की मालिश चल रही है। यहाँ नानी पे आके बिगड़ जाता है, नानी से मालिश कराता रहता है बस। बेचारे नानी इसकी मालिश करने में लगी हुई, नानी मानती नहीं है। नानी मत करो, नानी रहने दो, वैसे तो आपके हाथ दुख जाएंगे फिर। रहने दो नानी, नानी रहने दो। सही बात है, डॉगी थोड़ी में मानता है। जो कितना तेल लगवा लगवा के मालिश करवा रहा है, उसके सिर कितना तेल ही तेल से पूरा। और नानी इसकी मालिश कर रही है, यहाँ आके बिगड़ जाता है, ऐसी मालिश करवाते रहते। लल्ला को मेरे लिए दिया जा रहा है, एकदम मगर के बने खा ले और लल्ला को ऑयल लगा के धो ले के आधे घंटे के लिए मेरे में चला जाएगा। बस इसको फ्रिज में रख देंगे, फिर उसके भरिए तलेंगे। और यहाँ पे हमारी दिव्या हमेशा की तरह अपना वर्क करती हुई बुक और नोटबुक। और गाइस अभी 10:30 बज रहे हैं, देखो सब लोग सो चुके हैं। मम्मी यहाँ पे देखो गद्दा वगैरह सब बिछा दिया गया है यहाँ पे और ये अपना कर रही है वर्क। भैया यहाँ पे अपना फ़ोन चला रहे हैं, यहाँ पे भी वो करवा रहा है मालिश, नाना अंदर टीवी देख रहा है। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी बच चुके हैं 7:00 और अभी हम लोग कहीं मार्केट वगैरह गए हुए थे तो इसलिए मैं थोड़ा व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। और अभी सुबह व्लॉग शूट किया था, अब सीधे शाम को कर रही हूँ क्योंकि अब दिन में हम लोग कल बहुत थक गए थे, आए थे जब तो हम रेस्ट कर रहे थे, तो उस चक्कर में आज व्लॉग नहीं किया दिन में थोड़ा बहुत। और अभी फिलहाल 7:00 बज रहे हैं और भैया यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं, मम्मी और मैं आए थे बाज़ार से, नानी भी गई थी। हम लोग गए हुए थे तो मैंने सोचा सबके लिए पेटीज ले चलते हैं, तो अभी पेटीज लेके आए इस पन्नी में, तो अभी निकाल के खाएंगे। और मैं अपने लिए लाई हूँ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन किसी के लिए नहीं लाई मैं, अपने मेरा पैसे डले थे एक्स्ट्रा, इन सबके लिए पेटीज लेके आ गए हैं। तो चलो अभी फिलहाल टीवी चल रही है यहाँ पर और भैया आपके लिए पेटीज आ चुकी है। ओ सॉरी, आप सॉरी आप नहीं खा सकती हो, सॉरी सॉरी। बेबू कहाँ है, पहले बेबू को बुलाओ यार। चलो गाइस पूजा हो रही है सामने, पूजा हो रही है अभी भगवान जी की। तो बहन तू कल खा लेना यार, तेरे से कौन कह रहा है, मैं अपने पैसों से लाई हूँ, अपने दम देखो मेरी, खुद के पैसे अलग ही रोल होता है यार, खुद के पैसे होते तो हाँ मैं लाई सब ले हूँ मैं। यहाँ पे हो रही है अभी पूजा, नाना कर रहे हैं पूजा और भैया यहाँ पे BGMI खेल रहे हैं और नानी हमारी यहाँ पे बैठी हुई है। अभी हम और नानी और मम्मी गए हुए थे मार्केट, जो कि नानी की पायल जो थी वो ठीक कराने के लिए और कुछ काम से गए थे, तो अभी पसीना आ रहा सबको बहुत।
अंदर हो रही पूजा, तो नाना यहाँ पे बैठ के भगवान जी से प्रार्थना कर रही है। नाना कर रहा है पूजा। और भैया वहाँ यहाँ पे हमेशा की तरह नीचे हमें खेलते हुए छत पर है, उसको फुर्सत नहीं है पतंग उड़ाने से। मथुरा आता है और यहाँ पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देता है, तो अभी वो छत पे अकेला है और अंधेरा भी हो चुका है। अब उसको डर नहीं लग रहा छत पे, क्योंकि पतंग उड़ानी है। और दिव्या तो आ चुकी है नीचे और अब वो खा नहीं सकती, क्योंकि शक्ति आज हम सभी खाएंगे फिलहाल। बस अभी हम लोग थोड़ा पूजा वगैरह हो जाए, उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं झुकू को बुलाती हूँ, वो छत पे बैठा हुआ है पतंग वगैरह उड़ा रहा है, इतना अंधेरा हो गया। तो भी गाइस ये है हमारी पेटीज, तो और नानी की बेटी जी है, नानी खा रही है। भैया की और बिबू की मम्मी पन्नी में है, पर ये लोग अभी बाद में खाएंगे, क्योंकि भैया गेम खेल रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहा है अभी। भैया खा लो पहले, फिर बाद में उड़ा लेना। तीन पेटी से तीनों अपनी एक एक ले लो। अभी हम लोग आ चुके हैं छत पर नानी के घर पे, और बिबू उड़ा रहे हैं यहाँ पे आते साथ पतंग, क्योंकि घर यहाँ पे देख सकते हो कितनी पतंग उड़ रही है ऊपर, ये और एक और ये वाली, और उस साइड में भी बहुत हैं, वो भी देख सकते हो। वो भी देखो सामने कितनी पतंग ही पतंग, क्योंकि यहाँ पे पतंगों का त्यौहार शुरू हो चुका है अभी, इसलिए यहाँ पे बहुत पतंग उड़ती हैं। अभी वो को यहाँ पे कटी हुई पतंग मिल गई थी छत पर, तो वही उड़ा रहा है अभी फिलहाल, और अभी उसकी पतंग बिछ चुकी है उसमें। अरे तो उसमें निकाल लेना, तो उड़ानी आती नहीं है फालतू में, कोशिश कर रहा है हटा दे। अबे छोटे, और यहाँ से मस्त नज़ारा लगता है एकदम।